देखिए मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं पूरे मन से विचारों से कर्म से मनसा वाचा कर्मणा मैं सबसे सांडिल्य हूँ। और ये रंग ऊपर भी है अंदर भी है भगवा, और केसरिया देश की शान है। एक एक रोड शो में 50,000 लोग, इनबिलीवेबल। दिखाओ ना दीदी, रियल दिखाओ ना, केनो ड्रामा कोर्चे। यही सोच आचे इधे दीदीर सोच, यही टीएमसी सोच, ताई सोच खाने चलबे ना। ताले आमी बोलची कि बीजेपी आसचे टीएमसी जाचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और इस चुनाव में गोत्र की भी बात हो रही है तो हिंसा भी हो रही है, शिकायतें भी हो रही हैं, तो वीडियोस भी जारी हो रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स को लोगों के बीच उतार दिया है। और ऐसे ही एक स्टार कैंपेनर बीजेपी के हैं मनोज तिवारी साहब, जो सांसद भी हैं, लोक गायक भी हैं, और ये हमें कलकत्ता की सड़कों पर चाय पीते हुए मिल गए। मनोज सर, गर्मी बहुत है और ये कलकत्ता में आप चाय पी रहे हैं, भगवा कुर्ता, मोदी जी के स्टाइल का कुर्ता, इस चुनाव में बहुत संदेश आपके इस पहनावे में भी है। नहीं, ये मेरा बड़ा पुराना पहनावा है और ये रंग ऊपर भी है अंदर भी है, क्योंकि शांति का रंग है भगवा और केसरिया देश की शान है। हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। बाड़ी बाड़ी जाच्छी, शहर शहर जाच्छी, टाउने टाउने, आज के रोड शो आछे, ताले हावड़ा जाच्छी, भालो करे बांग्ला सीखे गाची। और मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ये चाय तो हम लोग यहाँ रोज ही पीने आते हैं, क्योंकि ये बड़ा फेमस चाय की दुकान है, तो कभी कभी आते जाते यहाँ पे चाय पीता हूँ। आपसे मिल गया और ताज़ा हो गया। अच्छा, चाय तो पी रहे हैं लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है सामने कि सिर्फ रोड पे आप चाय पीने रुके तो इतने सारे लोग हैं, तो रैलियों में क्या स्थिति हो रही है? अरे मत पूछिए, जो पश्चिम बंगाल के लोगों का प्यार है वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, नेवर एक्सपेक्टेड। और लोग खड़े नहीं होते हैं, लोग बड़ी प्यार से अभिवादन देते हैं और लेते हैं। और जो रोड शो में जा रहा हूँ, मैंने तो हमेशा मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, जो मतलब एक एक रोड शो में 50,000 लोग, इनबिलीवेबल। तो उसको आशीर्वाद मान के चल रहे हैं। ये जो एक संदेश है और इस संदेश में पश्चिम बंगाल में बड़ा परिवर्तन है। अच्छा मनोज सर, अब जरा राजनीतिक बात कर लेते हैं। आप भी ब्राह्मण हैं और कई बार ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति यूपी बिहार में होती रही है, दिल्ली में भी होती रही है, लेकिन यहाँ बात अब गोत्र की आ गई है। दीदी कह रही हैं कि उनका गोत्र का पहले आंदोलन बताया था, फिर उन्होंने बताया शांडिल्य, और आप बता रही हैं माँ माटी मानुष। आपका गोत्र क्या है और इस गोत्र की राजनीति पे क्या? देखिए मेरा गोत्र शांडिल्य है। अच्छा, आप भी शांडिल्य वाले? जी, मैं शांडिल्य पूरे मन से विचारों से कर्म से मनसा वाचा कर्मणा मैं सबसे सांडिल्य हूँ। और सांडिल्य कभी भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांडिल्य होना इंसानियत की बहुत बड़ा परिचय है। मैं और भी गोत्र का सम्मान करता हूँ। दीदी भी तो सांडिल्य हैं, ये चुनावी सांडिल्य हैं। ये इस पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉमेडी प्लेटफॉर्म बन गया ये डायलॉग। दीदी खुद कहती है, कभी कहती है मेरा गोत्र आंदोलनकारी है, कभी कहती है माँ माटी मानुष है। तो जब इन्होंने आंदोलन करके एक आशा जगाई थी, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जहाँ किसानों के लिए आंदोलन किया था, वहाँ किसानों की क्या स्थिति है? फिर इनका गोत्र हो गया माँ माटी मानुष। आज के पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष रुदन कोरचे, चित्कार कोरचे, कैनो कहाँ थी दीदी आप, जब 135 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया घर में घुस के, क्योंकि वो एक विचारधारा से अलग थे। अभी शोभा माँ को, जो 80-82 साल की महिला, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया आपके टीएमसी के गुंडों ने कि वो उसका बेटा बीजेपी में है।
एक बेटी का रेप हो गया सिर्फ इसलिए कि उसका भाई बीजेपी में है। कहां था आपका सांडिल्य बना दीदी? चुनावी सांडिल्य होना अवसरवादिता है और इस अवसरवादिता को पश्चिम बंगाल पहचान गया है। यही तो बता रहा है दीदी का डायलॉग कि उनका जमीन चला गया है और वो बहुत बौखलाहट में। आप कह रहे हैं कि शांडिल्य कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, शायद इसीलिए दीदी ने एक वीडियो जारी किया है फाइटर दीदी, और फाइटर दीदी में तो वो दिखा रही हैं कि कुछ बीजेपी के नेताओं को शो किया गया है। रियल दिखाओ ना दीदी, रियल दिखाओ ना, केनो ड्रामा कोर्चे, ये फाइटर दीदी आंख निये ऐसा थोड़ी दीदी है। दीदी आपको उस दिन खड़ा होना चाहिए था जिस दिन इस देश, इस पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि दिया और आपने 75 लाख किसानों का सम्मान निधि रोक दिया। कहाँ गया था आपका वो सांडिल्यपना? कहाँ गया था आपका वो शेर फाइटर दीदी? कहाँ थी आप जब टोलबाज जो यहाँ पे कट मनी मांगा जा रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना में तोलाबाजी चल रही है, तब आपका कहाँ चला गया था फाइटर दीदी? आप लोग तो जय श्री राम को कहते हैं कि एक धार्मिक नारा है, आस्था का विषय है, लेकिन जब दीदी की गाड़ी गुजरती है तब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनके सामने, तो इस जय श्री राम को राजनीति में इस्तेमाल किया जाए? हाँ, इससे बड़ा बुरा बात क्या हो सकता है कि आप जय श्री राम को राजनीतिक नारा देख रहे हैं? जय श्री राम हमारे श्री राम आराध्य हैं। अगर उसको हम जय श्री राम कहते हैं, कोई जय जिनेंद्र कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, ये राजनीतिक हो गया? यही यही सोच आछे इदे दीदिर सोच, यही टीएमसी सोच, ताई सोच खाने चलबे ना। ये सोच जो है ना कि आप अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं भी है और आप एक टोपी लगा लेते हो तो आपको हेलमेट की जरूरत नहीं, आपका चेक नहीं होगा, तो ये सोच थोड़ी है दीदी। यही पश्चिम बंगाल सोच नहीं, पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। यहाँ पे ही कहा गया था कि क्यों कोई क्यों तो डाक सुने ना आसे ताले एकला चोले रे। ये तो पश्चिम बंगाल अकेले चल के भी अपनी विचारधारा को जागृत रखता है, लेकिन दीदी ने पश्चिम बंगाल के माँ माटी मानुष को ऐसा चित्कार करने को विवश किया है कि सब लोग अब दीदी के खिलाफ खड़ा है, बीजेपी से ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोग खड़े हैं। वैसी साहब ने ट्वीट किया और वो भी अब गोत्र की बात कर रहे हैं, उनके जैसों का क्या होगा कि जिनका कोई गोत्र नहीं है, जो कि कोई मंत्र नहीं पढ़ते हैं, तो राजनीति में इस गोत्र की, जय श्री राम की, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि वो वैसी साहब को जो लोग मानते हैं ना, वो उनका अपमान कर रहे हैं। आपका भी कुछ गोत्र होगा, गोत्र शब्द पे मत जाइए। हर धर्म में हर सबका एक कुछ न कुछ आइडेंटिटी होता है, वो उनका भी होगा, लेकिन उनकी जो भी चिंता हो उनकी अपनी चिंता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी ने जो पश्चिम बंगाल के लोगों को जो दला है, जो उनको अत्याचार किया है, अब पश्चिम बंगाल खड़ा है तो मनोज तिवारी क्या करेगा? हम ऐसे छी तुम्हारो दरबार, मैं माँ काली को बोलता हूँ, दया करु माँ, दया करु माँ, कैनो माँ माटी मानुष करे चित्कार, दया करु माँ, दया करु माँ। आप देखिए मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको रियल वीडियो दिखाता हूँ दीदी, ये देखिए सोशल मीडिया पे कल से बात। आप देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है चाय की दुकान पे और ये बीजेपी की टोपी पहन के खड़ा है और इसको आ करके 7-8 लोग झंडा निकालेंगे, टोपी निकालेंगे और इसको गिरा गिरा के दुकान में मारते हैं। ये दीदी तुम का फाइटर दीदी किधर हो, कोथा आछो दीदी? ये दृश्य की बोल छे मैं, आप देख लीजिए, आप इसको चलाइए, आप इनको बताइए, ये रियल पिक्चर है। और दीदी वो नाटक पिक्चर चलबे ना, चलबे रियल पिक्चर। और ये स्थिति आछे पश्चिम बंगाल, ताले आमी बोलछी कि बीजेपी आसछे, टीएमसी जाछे।
अच्छा मनोज जी, आपके दो बड़े नेता, एक देखो कलेजा फट जाता है दादा ये पिक्चर देख के। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना। आप एक टोपी पहनने के लिए, बात कहने के लिए इतने डर गए तुम? आपके पास इतना बड़ा समर्थन था, कैसे हिल गया दीदी? अच्छा सर ये बताएं, मुकुल रॉय साहब 2017 में बीजेपी में गए, शुभेंदु अधिकारी साहब अभी गए, दीदी कह रही हैं कि शुभेंदु जो है वो ठीक नहीं है, मुकुल रॉय अच्छे आदमी है क्योंकि वो पार्टी के साथ गए थे, तो आप ही के दो नेताओं में एक को अच्छा एक को बुरा कह रही है दीदी? तो डिवाइड एंड रूल की पुरानी विशेषज्ञ है ना, तो वही करती है वो दीदी। मुकुल दा है, हमारे शुभेंदु दा है, ये सब लोगों को क्यों क्यों टूटन हुआ टीएमसी से? इसलिए हुआ कि ये लोग माँ माटी मानुष की रक्षा के लिए, माँ माटी मानुष के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये लोग राजनीति में कदम रखे थे। इनको नहीं पता था ना कि माँ माटी मानुष करते करते दीदी माँ माटी मानुषेर शत्रु हो जावे। देखिए मैं ज़्यादातर बात अपनी बांग्ला में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि ले लो आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैं मानता हूँ इंसान कोई भी हो सबको एक समान देखो। राजनीति तो आती है जाती है सर, इसमें क्या होता है, लेकिन जो राजनीति के लिए जो मर्डर हुआ है, जो गुंडागर्दी हुआ है, 135 लोगों का मेरे पास नाम के साथ लिस्ट है, घर में घुसकर उनको चाकू से मार दिया गया, तलवार से मार दिया गया। आखिर में सर मैं ये पूछूंगा कि प्रियंका गांधी ट्वीट करके कह रही हैं कि राजनीति में तीन विकल्प होते हैं, एक लेफ्ट के साथ जाना जो हिंसा करती है, दूसरा बीजेपी के साथ जाना जो भेदभाव फैलाती है समाज में, और तीसरा कांग्रेस जो कि भविष्य के बारे में सोचती है। कांग्रेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है बंगाल में, तो कांग्रेस के इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के बयान और कांग्रेस के एब्सेंस पे देखो कायदे से तो अब वो लोग बोलने लायक ही नहीं रह गए हैं। यहाँ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि यहाँ कोई देखना ही नहीं चाहता उनको, तो हाँ ले लीजिए दादा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जब कोई देखना चाहेगा तब ना दिखेंगे, और आप जब आएंगे जातियों धर्मों में लोगों को बांटेंगे। बीजेपी एक पार्टी है जो बोल छे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लेके रहेंगे। हमारी यात्रा को पश्चिम बंगाल ने बहुत स्वागत किया है। मैं एबीपी के दर्शकों से ये विश्वास से बोल सकता हूँ कि 2 मई को ऐसा रिजल्ट आएगा कि राजनीतिक पंडित लोग सोच नहीं सकते हैं सर। मनोज तिवारी की औकात नहीं है कि उसके रोड शो में 50,000 लोग आए, उसके जनसभा में 1,00,000 लोग आए, आया आ रहे हैं लोग। तई आमी जानी यही पश्चिम बंगाल के परिवर्तन का, पश्चिम बंगाल के लोगों का उत्साह है और ये होके रहेगा। आखिर में दादा बस एक रिक्वेस्ट, क्योंकि आप नेता बाद में हैं गायक पहले हैं, तो जाते जाते एक दो तीन लाइन हिंदी के गाना और 2-3 लाइन, चूंकि आप बंगला बोल ले रहे हैं तो बंगला का, अगर हमारे दर्शक। नहीं मैं तो इस बार यही देख रहा हूँ कि ना तोलाबाजी कोई भ्रष्टाचार चाहिए, ना कट मनी ये ऐसा सब व्यापार चाहिए, ना तो गुंडागर्दी वाली ये सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी। और मेरी भावना को पश्चिम बंगाल समझेगा। बांग्ला में भी कुछ है, आमी बांग्ला भालो करे जानी नहीं, किंतु एक तो जानी आमी एटाई जानी कि इबार बीजेपी आश्चे और टीएमसी जाच्चे। गाना आया, बजाना है तो जोर से बजा देना भाई। बांग्ला गाना हो जाए सर, दो नहीं हमें बांग्ला गान, आमी एकुन तैयार करछी, 2 तारीख क्या मैं रिलीज करबो। तो 2 तारीख को गाना, बंगला गाना रिलीज होगा, और आप देखिए कि बीजेपी आएगी 2 मई को, इस तरह की बात मनोज तिवारी कह रहे हैं, और बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं दीदी पर
कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही हैं, वो कहाँ होती हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, तो तमाम सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। और इस बीच में मनोज तिवारी जिस तरीके से बंगाल की सड़कों पर हैं, आप देखिए फैन फॉलोइंग किस तरह की है कि लोग उनको घेर लेते हैं चाय पीने एक दुकान पर जब मनोज तिवारी रुकते हैं, और इस तरह से सेल्फी लेने वालों की होड़ लग जाती है। तो बीजेपी इस तरह के जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको लोगों के बीच में उतारती है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां पर न सिर्फ बंगाली बल्कि बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी बसे हुए हैं, और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि इस तरह से मनोज तिवारी को लोगों के बीच लाया जाए ताकि जो यहाँ पे रहने वाले बिहार के लोग हैं, जो यहाँ वोटर बन चुके हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।